झारखंड में नई सरकार चुनने के लिए बंपर वोटिंग हुई। शहर से लेकर सुदूरवर्ती बूथों तक वोटर्स में उत्साह देखा गया। न सिर्फ युवा बल्कि महिला और बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों पर पूरे उत्साह के साथ वोटिंग करने पहुंचे। झारखंड में आखिरी चरण में आज 38 सीटों पर वोटिंग हुई। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। ये झारखंड की पब्लिक है जो चुनाव को उत्सव की तरह मनाती है। तस्वीरें देखिए किस कदर वोटिंग के लिए लोगों में हाई जोश देखा गया। महिलाओं की लंबी लंबी कतार लगी, बुजुर्ग पोलिंग बूथ तक पहुंचे, युवा वोट करने से पीछे नहीं रहे। शहरी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी इलाकों तक में बंपर वोटिंग हुई। सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशील इलाकों में भी लोकतंत्र के महापर्व पर जबरदस्त उत्साह देखा गया। दूसरे चरण के 38 विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के साथ ही झारखंड में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। तमाम उम्मीदवारों के किस्मत ईवीएम में लॉक कर दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव की तस्वीरें मजबूत लोकतंत्र को तस्दीक करती है। 38 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता ने किसे जनादेश सुनाया है ये 23 नवंबर को पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचते हो वोट देने के? विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, झारखंड का डेवलपमेंट हो। ये हैं जो लोग देश के लिए विकास कर रहे हैं, उन्हीं के लिए वोट दिए हैं। और क्या चाहते हैं? और चाहते हैं कि वही देश का विकास हो, आगे बढ़े, सब कुछ यही सब। हम वोट दिए हैं, किसी यूज लेकर के नहीं चाहते हैं। चाहते हैं कि समाज में, मतलब कि हर एक चीज, मतलब हम लोग को सुविधा मिले, जनता के लिए अच्छा सोचे। महंगाई हुआ और इसका रास्ता है, साफ सफाई का हुआ, हेल्थ के लिए हुआ, ये सब अच्छा काम करे। वोट दिए हैं, अच्छा लग रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे एरिया का विकास हो और इसके साथ साथ हमारा भारत आगे बढ़े। और ये हर नौजवान का एक दायित्व होता है कि अपने अपने इस हक का इस्तेमाल करते हुए अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करें। झारखंड की 38 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीधा मुकाबला है। 38 सीटों में 33 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है, 5 सीटों पर आजसू के प्रत्याशी मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन से 21 सीटों पर जीएमएम चुनाव लड़ रही है, 12 पर कांग्रेस, 4 पर सीपीआईएमएल, 2 पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं। धनवार में जीएमएम और सीपीआईएमएल के बीच फ्रेंडली फाइट है। बंपर वोटिंग के बाद अब रिजल्ट की बारी है। देखना होगा हेमंत सरकार वापसी कर पाती है या फिर एनडीए की सरकार बनती है। अब सबको इंतजार है 23 नवंबर का, जब मतगणना होगी। फिर देखना दिलचस्प होगा किसके समर्थन में जनता ने जनादेश दिया है, किन्हें सिरे से नकार दिया है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय टोपो के साथ कुमार चंदन।